आशीष देखो क्या नाम बताया आशीष आशीष प्रोफेसर आशीष प्रोफेसर आशीष क्लास में मैं मास्टर की नहीं सुनता था कॉलेज में प्रोफेसर की नहीं सुनता था सेट पे डायरेक्टर की नहीं सुनता हूँ तो तुम्हारी क्यों सुनूंगा जब हमारा मन होगा तो हम और मैं तो खुद अपनी भी नहीं सुनती So what has happened is that we have a conversation like this. जी. आप तो पहले आए होंगे खजुराहो जी मैं खजुराहो नहीं आया इससे पहले और मेरे दो मित्र हैं राजा बुंदेला और सुष्मिता जी उन्होंने कई बार मुझे आमंत्रित किया खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आने के लिए ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं काम में बिजी होने की वजह से क्योंकि मैं इंडियन फिल्में भी करता हूँ हॉलीवुड की फिल्में भी करता हूँ फ्रेंच फिल्में जर्मन इटालियन ऑस्ट्रेलियन मलेशियन ईरानियन कनेडियन यू नेम अ कंट्री एंड इवन पोलिश फिल्म्स तो सीरियसली हाँ जी तो उस सब वजह से ट्रैवल की वजह से शूटिंग की वजह से मैं आ नहीं पाया आज मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि आज खजुराहो की इस शानदार जगह पर खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचा हूँ और मुझे और भी ज़्यादा खुशी है आशीष जी कि मैं सुष्मिता जी के सामने बैठा हूँ फिल्म सर में ये मेरी बहन बनी थी छप्पन टिकी जी 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 तो बहुत 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 साल हो गए जी बहुत साल हो गए आप ऐसे ही दिखते हो आप क्या रिवर्स हो रहे हो क्या बात इतनी फिल्म्स करने की एज रिवर्स कुछ है आपके पास कुछ क्या है नहीं जी बताइए सही से आप जैसे मित्रों का जब प्यार शुभकामनाएं मिलती रहती हैं और उसके साथ साथ क्या कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि व्यायाम एंड ईटिंग राइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी फैबुलस एब्सोल्युटली स्टनिंग बहुत जरूरी है जी बहुत जरूरी है मैं यहाँ पर यह भी कह देना चाहता हूँ कि शायद दो बरस पहले मेरी मित्र ग्रेट एक्ट्रेस महिमा चौधरी आई थी जी जब हम दिल्ली में उस बुक फेस्टिवल मेरी ऑटोबायोग्राफी बैडमैन टाइम्स ऑफ इंडिया के जो लिट फेस्टिवल होता है वहाँ पर यू नो विमोचन हुआ था विमोचन हुआ था तो वहाँ पर आपसे भेंट हुई थी तो वो महिमा आई थी और महिमा ने इतनी तारीफ की इस फेस्टिवल की इतनी तारीफ की जो उसकी विजिट्स टू द टेंपल विजिट्स टू द यू नो लाइक एंटायर सिटी तो वो भी मेरे मन में था बहुत ही कि यार कमाल है यार कि इतनी सुंदर जगह इतना लोगों का प्यार और इतना सुंदर फिल्म कला संगीत आर्ट का माहौल इस फेस्टिवल में क्योंकि जैसे ही कार अंदर घुसी तो मुझे बताया गया कि ये देखिए ये छप्पर सिनेमा बनाया गया टपरा टॉकीज बनाई गई है यहाँ इधर ये है आते ही बहुत सारे फिल्म के मित्र मिले हमारे मित्र हैं अमित राय जिनकी फिल्म ओ माय गॉड टू रिलीज हुई वो मिले हमारे मित्र हैं हरीश भिमानी वो मिले और बहुत सारे फिल्म के लोग मिले एक सिंगर मिली जो गाना गा रही थी कि तुम्हारी इतनी सुंदर सूरत को बनाने के बाद भगवान भी हैरान रह गया तो मैं उनके गाने में गया मैं बोला कि चूंकि आप मेरी सूरत की तारीफ कर रही हैं तो मुझे आकर आपसे मिलना पड़ा तो एक बड़ा मजेदार पर आप कल जा रहे हैं सुबह मैंने सुना जी जी तो आप मंदिर कब देखेंगे ये एक मैं दिन तो जी था क्या कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली मैं जी डेट मेरी शूटिंग है जी इसलिए जी जी मैं फिर आऊँगा हाँ प्लीज और तब, तब मेरे जो दो मित्र हैं राजा बुंदेला और सुष्मिता जी वो भी थोड़े रिलैक्स होंगे अभी उनके घर में विवाह चल रहा है ब्याह चल रहा है रिश्तेदार आ रहे हैं मेहमान आ रहे हैं कलाकार आ रहे हैं और जब एक विवाह जैसी फीलिंग होती है तो किसी की थोड़ी यू नो शिकायत होती है किसी मामा रूठे फूफा वो बस बस तो उस सब से आप फ्री हो जाएं उसके बाद जी आराम से आएंगे अच्छी तरह से एक दो दिन बिताएंगे बिल्कुल आराम हो सकता है क्योंकि महिमा मेरी बड़ी प्रिय मित्र हैं उन्होंने इतनी तारीफ की उनको भी घसीट लाएंगे बिल्कुल लेके आई हो बिटिया के साथ आई थी हाँ जी बताया उसने मुझे हाँ जी सच अ चार्मिंग लवली पर्सन आप
गुलचर जी, आई वुड लाइक टू जस्ट, वी जस्ट हैव टू थ्री फोर स्मॉल क्वेश्चंस, क्योंकि विकिपीडिया में सब कुछ है, तो आजकल के बच्चों को आपके बारे में वो सब तो नहीं, क्या यू नो आपने कब करियर शुरू किया था वगैरह, बट आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, विद दिस लॉन्ग, आई थिंक 45 ईयर्स आपके हो गए इंडस्ट्री में, इफ आई एम राइट? नहीं जी, उससे भी ज़्यादा या उससे भी कम? ज़्यादा हो, मुझे तो लगता है कल ही की बात है। मुझे तो लगता है कल ही शुरुआत, कुछ ही समय की पहले की बात है कि मैं दिल्ली की आउटस्कर्ट्स पे रहने वाला श्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैं एमकॉम की पढ़ाई करके मुंबई, बॉम्बे, उस समय जो मेरे लिए अननोन शहर था, वहाँ गया, वहाँ पर मैंने स्ट्रगल की, फिर मैंने प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब के एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग कोर्स ज्वाइन किया, मेरे क्लासमेट बैचमेट अनिल कपूर, लेट मज़हर खान, हम सब एक ही बैच के थे, बहुत स्ट्रगल की बात होगी, कल ही की बात है, परसों की, चलिए ठीक है, डन। तो उस पूरी जर्नी में व्हाई आई से दिस, आई विल सॉर्ट ऑफ डिसाइफर दिस इन अ सीरियस वे, कि व्हाई इट लुक्स लाइक यस्टरडे, जिस काम को आप करना चाहते हैं वही आपको करने को मिल जाए, इससे बड़ी बात, उससे बड़ी कोई बात नहीं है। और समय ऐसा लगता है कि समय तो बस अभी कल ही की बात है। मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जहाँ पर 100% मार्क्स में एडमिशन मिलता है, वहाँ से मैंने एमकॉम की, उसके बावजूद जो मेरा एकेडमिक करियर था उसको ताक पर रखकर, घर वालों की एक्सपेक्टेशन थी कि अब मैं पढ़ लिख गया हूँ और मैं चार पैसे कमाकर घर में कंट्रीब्यूट करूँगा, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी क्योंकि फाइनेंशियल हालात कुछ ऐसे अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं अपने आर्ट के करियर को परस्यू करने के लिए चला गया मुंबई एक्टर बनने के लिए। तो मैं चाहता था कलाकार बनना, मैं चाहता था। कौन सा पॉइंट था जब आपको लगा, आई ऑल्सो वेंट टू नेशनल, आई मीन आई वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं भी डी यू में पढ़ी हूँ, दिल्ली की हूँ मैं भी, सो विच आई नो विच पॉइंट, आई नो दैट आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, आपको कब लगा ये? पास आउट करने के ऑलमोस्ट करीब, व्हेन एवरीबॉडी वॉज गेटिंग इन टू रिस्पेक्टिव करियर्स और गेटिंग इन टू अ रिस्पेक्टिव करियर मोड। प्रायर टू दैट मैं दिल्ली में कॉलेज में थिएटर करता था, LTG लिटिल थिएटर ग्रुप के साथ, BM शाह साहब, उत्तरा भावकर, जैमिनी कुमार, मीनाक्षी ठाकुर, वीना गौड़, नरेश सूरी, ब्रिजभूषण साहनी, BM शाह साहब, वो टीचर थे NSD के, वो मेरे डायरेक्टर थे। जी जी जी। तो इन सब सीनियर्स के साथ में मैं एज ए यंग बडिंग एक्टर, राइजिंग एक्टर एक्ट करता था, काम करता था उनके प्लेस में, बहुत सारे प्लेस किए मैंने। पर विच वाज द पॉइंट इन योर चाइल्डहुड, क्योंकि आप प्लेस करते थे, कोई चाइल्डहुड में नहीं, चाइल्ड ऐसे ही शौक था एक्टिंग का, और अटेंशन भी मिलती थी और मन को अच्छा भी लगता था, पर ऐसा कुछ करियर बनाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि नहीं तो फिर मैं श्रीराम कॉलेज कॉमर्स नहीं जाता, NSD जाता या पूना फिल्म इंस्टीट्यूट जाता। नो नो, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। जब मैं कॉलेज से पास आउट हो रहा था कि अब इसके बाद क्या, तो झुंझलाहट, घबराहट, परेशानी शुरू हुई, तो समझ में आया कि मेरा मन है कला की तरफ, डिसीजन। सो इन ऑल दीस इयर्स, बिकॉज इट वाज जस्ट यस्टरडे, आई एम नॉट गोइंग टू सी द इयर्स, प्रोफेसर आशीष आपको, ओके, एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू, सो ये जो आपको एक कोई ट्रेंड आपको इतने सालों में, आपको कोई एक अच्छी ट्रेंड और एक कुछ अनईजी ट्रेंड आप सोच सकते हैं इतने सालों में, क्योंकि आप इतने इंटीमेटली, आपने इतने फॉर्म्स में काम किया और आपने अमेजिंग डिफरेंट रोल्स किए, एंड यू आर वेरी लव्ड इन द इंडस्ट्री, यू आर अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ एक चीज़ जो इतने सालों से बहुत सही है और एक चीज़ है जिससे आप व्यक्तिगत तौर से अनईजी है कि यार ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ है आपका? आपने कहा तो इन दो विषयों पर मेरा ध्यान जी सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं ये आपको कह सकता हूँ कि मुझे मेरे इस प्रोफेशन की, मेरे इस फिल्म इंडस्ट्री की हर चीज़ अच्छी लगती है। जो चीज़ें बदल रही हैं, हम सब ने ये मान लिया है, हम सब को सुना सुना के लोगों ने कह दिया है कि
बदलाव जिंदगी का हिस्सा है, घर में बदलाव आ रहा है, रिलेशनशिप में बदलाव आ रहा है, सोसाइटी पास पड़ोस में बदलाव आ रहा है, समाज में बदलाव आ रहा है, सोशल इंटरेक्शन में बदलाव आ रहा है, तो आपके काम करने की जगह पर काम की रिलेशनशिप्स में भी बदलाव आएगा। अब आप देखिए, जब हम सर फिल्म में काम कर रहे थे, ग्रेट वंडरफुल फिल्म मेकर महेश भट्ट साहब के साथ, महेश भट्ट साहब जिन्होंने मेरे करियर में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, जिन्होंने मुझे बेटर एक्टर बनने में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, इसके साथ साथ बड़ी मजबूती से मुझे सपोर्ट किया है उन्होंने। आप देखिए, अगर आपको याद हो तो मैं सर फिल्म में खलनायक की फ़र्स्ट चॉइस नहीं था, फर्स्ट चॉइस थी लेट सदाशिव अमरापुरकर जी, तब आप और हम दोनों उस फिल्म में नहीं थे। मैं दरअसल आपका रोल कर रहा था, एक ये मेल मुझे पता का। था, हाँ, वो ट्वीक हुआ। हाँ। फिर महेश भट्ट साहब के दिमाग में कोई बात आई और उन्होंने मुझे मेन विलन के रोल में ले लिया और मेरे रोल को चेंज करके आपके आपने इतना सुंदर उसमें निभाया, बहुत इतना अच्छा तो मैं कर ही नहीं सकता जितना अच्छा आपने किया है। जिमी जिमी वेरी वेरी वंडरफुल। तो मुझे तो जीवन में ऐसे अच्छे अच्छे लोग मिले, ऐसे अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स मिले जिन्होंने मुझे हेल्प किया, सपोर्ट किया, आगे बढ़ने का मौका दिया। उनका ये कहना है कि मेरी सिंसेरिटी, मेरा हार्डवर्क, मेरा प्रोफेशनल कमिटमेंट, माय सेइंग दिस, आप मुझे अगर 6 बजे बुलाएं तो मैं 6:45 बजे वहाँ पहुँचता था। तो और आज भी है, मेरी पर्सनालिटी मेरे प्रोफेशन का हिस्सा है वो। तो उन सब चीज़ों ने उन्हें इम्प्रेस किया और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज चूँकि हम यहाँ पर खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के सिनेमा के माहौल में, आर्ट के माहौल में हैं, और मैं बहुत यू नो ईगर हूँ टू सॉर्ट ऑफ इन्जॉय एंड यू नो एक्सपीरियंस दिस, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मुझे तो हर चीज़ अच्छी मिली, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे कड़वी या बुरी लगी हो, क्योंकि कड़वे एक्सपीरियंसेस भी आपको आगे बढ़ने में साथ देते हैं, अपने आप को एनालाइज करने में साथ देते हैं, आपका फेलियर आपको सिखाता है। फेलियर अच्छा नहीं लगता ये इस वक्त, बट बिगेस्ट टीचर तो है ही। पर अभी जो आजकल जो ये OTT आया है, जो हमारे वी हैव सीन दिस होल थिंग फ्रॉम दूरदर्शन, फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट टू मल्टीप्लेक्स, इट सब कुछ, सो दिस OTT, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस थिंग, बिकॉज़ इट्स समथिंग न्यू फॉर अस आल्सो। जी, मैं डिजिटल, मेरा बेटा संजय ग्रोवर हॉलीवुड के फिल्म स्टूडियो MGM में फिल्म प्रोड्यूसर है। उस स्टूडियो की चेयरवुमेन थी मैरी पेरेंट, अब वो मैरी पेरेंट चेयरवुमेन है लेजेंडरी फिल्म्स की, लेजेंडरी स्टूडियो की, जो गॉडज़िला, ड्यून ऐसी फिल्में बनाते हैं। तो जब गॉडज़िला या ड्यून रिलीज हो रही थी तो मेरे बेटे संजय ग्रोवर ने अपनी चेयरवुमन को ईमेल भेजी कि मैरी विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द रिलीज ऑफ योर फिल्म, एंड शी सेड संजय व्हाट्स न्यू फ्राइटनिंग इज द कमिंग ऑफ OTT एंड थिएट्रिकल रिलीज टुगेदर। व्हाट आई से इज दैट OTT एंड थिएट्रिकल शुड वर्क लाइक, बिकम लाइक एन इलेक्ट्रिक कार, लाइक यू यूज अ बिट ऑफ इलेक्ट्रिक, यू यूज अ बिट ऑफ पावर, यू वर्क टुगेदर टू बी लाइक एन इलेक्ट्रिक कार, टू टेक द जर्नी फॉरवर्ड एंड नॉट कम्पीट विद इट। एंड ऐसा हो रहा है। हाल ही में मैं 15-20 दिन पहले मेरे बेटे संजय ग्रोवर की वजह से, उसने वहाँ के नेटफ्लिक्स में मेरे वहाँ के बिग बॉसेस के साथ मीटिंग तय सेट की थी कुछ कारोबार के सिलसिले में, तो उन्होंने कहा कि जो चाइनीज थिएटर है उससे थोड़े पहले पर्शियन सिनेमा है वैसा ही बहुत ग्रैंड, वो नेटफ्लिक्स ने ख़रीद लिया है। ओके। तो हमने कहा नेटफ्लिक्स सिनेमा क्यों खरीदेगा, हमारी सिनेमा से कोई लड़ाई नहीं है। It was and they bought theater in England, they bought theater in New York, जहाँ पे वो screenings करते हैं। So neither of them are competing, neither of them are at this moment competing. At this moment, OTT has eaten into yes, of the theatrical and the cinema business. Yes.
बट देर विल बी ए टाइम जहाँ पे ये एक हाइब्रिड कार की तरह से, नॉट इलेक्ट्रिकल, हाइब्रिड कार की तरह से, देयर अवेयर ऑफ दिस, हां देयर अवेयर ऑफ दिस, अच्छा अवेयर मतलब करना होगा, मिलजुल के चलना होगा, ये मर गया तो फिल्म की रिसोर्सेज कम हो जाएंगी, वो मर गया तो फिल्म की रिसोर्सेज कम हो जाएंगी, बजट्स कम हो जाएंगे, रिकवरी कम होगी। हाउ वाज इट बॉर्न, हाउ वाज द ओटीटी बॉर्न? इट वाज बॉर्न आउट ऑफ अ प्रॉब्लम विद द थिएट्रिकल, नहीं ओटीटी, ओटीटी गॉट फ्लरिश्ड बिकॉज़ ऑफ द कोविड। हां हम सब घर में, हम घर में थे तो उस वक्त, तो इसके साथ सुष्मिता जी मुझे 2-3 राजा की मिस कॉल्स हैं कि सुष्मिता को बोलो पहुंचे वहां पे, चलिए बस चलो, बस चलो, जस्ट वन, ओके, आई थिंक वी आर डन।